हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वाली वीडियो लेकर आई हूँ। और लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी बेल आइकन सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफी लोग करना भूल जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं, बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो भैया ऐसा मत करिए, लाइक कर दीजिए करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं बताती हूँ कि किस चीज़ के बारे में आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे आपको टाइटल से पता पड़ गया होगा और आपको दिख भी रहा होगा कि मैं किस टाइप के कपड़ों में हूँ। तो चलिए उन सब बातों को छोड़ते हैं। तो मैं एक्चुअली बात करने वाली थी कि गर्मियों में जो हमारे हेयर में बदबू आती है ना, उससे हम कैसे बचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कियों को यही प्रॉब्लम होती है कि हम ऑयलिंग करते हैं तो हमारे बालों में बदबू आने लगती है और एकदम चिपचिपाहट सी हो जाती है। और इसी वजह से क्या है कि सब लोग फिर ऑयल को अवॉइड करते हैं गर्मियों में। मुझे भी नहीं पसंद है, मुझे भी गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है ऑयल से, तो गर्मी तो लगना स्वाभाविक है। लेकिन हम उस बदबू से कैसे बचें ताकि वो बदबू ना आए, और बदबू की वजह से हमारे बालों में जूं होने लगती है, डैंड्रफ होने लगती है, इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है ना, तो उन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए। तो हेयर ऑयलिंग करे बिना तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप हेयर ऑयलिंग नहीं करोगे तो आपके बाल एकदम ड्राई हो जाएंगे और जो उनकी नेचुरल शाइनिंग होती है ना वो चली जाएगी। तो बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ऑयलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते तो कोई भी हेयर मास्क तो आपको वीक में दो बार लगाना ही चाहिए, तभी आपके बाल एकदम सिल्की शाइनी और स्मूथ से रहेंगे, बालों में स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये काम तो आपको करना ही करना है। और काफ़ी लोग कहते हैं ना कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हम क्या करें गर्मियों में, तो वो तो देखो गर्मियां हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हमारे क्या है कि बालों में हीटिंग यानी जो स्कैल्प होती है ना वहाँ पर हीट प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मी की वजह से, तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो उससे कैसे बचना है उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, कभी आपको जरूर बताऊंगी, अगर आप कमेंट करके पूछोगे तो जरूर बताऊंगी। तो फिलहाल मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें किस तरह से बचना है इस बदबू से, और उससे बचने के लिए मैं अपने बालों में क्या करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही इजी सा मेथड है, आप उसको चाहे रात को लगा लीजिए, चाहे नहाने से 2 घंटे पहले लगा लीजिए, पर हो सके तो रात को लगाकर सोइए, वो ज़्यादा बेनिफिट करता है, बहुत ज़्यादा असर करता है वो। लेकिन आज मैं खुद नहाने से पहले कर रही हूँ क्योंकि मैंने टी शर्ट पहन रखी, आप लोगों को बताइए। तो मैं नहाने जा रही थी, यानी नहाने जाऊंगी, घर का काम वाम करूंगी, तब तक मेरे बाल है ना अच्छे से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अदरवाइज मैं हमेशा रात को करके सोती हूँ, बट कल करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बदबू से बचने के लिए और अपने बालों को स्ट्रांग और हेल्दी रखने के लिए मैं क्या करती हूँ ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देख सकते हैं बाल मेरे एकदम ड्राई ड्राई से हो रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी दिनों से ऑयलिंग नहीं की है, तो फाइनली मैंने सोचा चलो मैं ऑयलिंग भी करती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ, और गर्मी बहुत भयंकर लग रही है। तो उसके लिए ना मैंने लिए यहाँ पे खाली बाउल, एक कांच की बाउल ली है, और उसमें मुझे लेना है एक नारियल, यानी नारियल तेल लेना है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो जो आपके पास हो। तो चलिए पहले मैं ना अपने बालों के अकॉर्डिंग इसमें ले लेती हूँ नारियल तेल। तो मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं तो उसके लिए मुझे कम से कम 2 या 3 चम्मच तेल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये मान लीजिए 2 चम्मच मैंने ले लिया है यहाँ पे नारियल का तेल, और उसके बाद मैं यहाँ पर लूंगी कैस्टर ऑयल तेल, जो कैस्टर ऑयल होता है इसको अंडी का तेल वो लेना है, और ये मुझे लेना है यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीबन, क्योंकि ये तेल है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसको कभी अकेले तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि इतना स्ट्रांग होता है ना कि हमें बहुत ज्यादा सर में दर्द वर्द होने लगता है, ऐसा हो जाता है। तो इन दोनों तेलों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसे गर्म पानी में रख के थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ना करें ना वो ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद जो स्मेल होती है ना उससे बचने के लिए क्या करना है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 मिनट, जी हाँ, तो ये मेरे हाथ से गिर गई थी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेनी है ये कपूर की गोली, ये जो कपूर होता है जिससे हम पूजा वगैरह में यूज करते हैं, तो बस इतनी सी ही आपको लेनी है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है। तो इसको ना अब इस तरह से तोड़ के मैं कटोरी के अंदर डाल दूंगी, ये जो बाउल है ना, और देखो आप लोगों के सामने ही डाल रही हूँ। और इसके ना बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं, सच में इतने बेनिफिट होते हैं क्योंकि मैं बचपन से ट्राई कर रही हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि पहला जो बेनिफिट है ना वो क्या है, सबसे अच्छा बेनिफिट बताती हूँ क्या है। तो गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पर इसके मैं बेनिफिट बता देती हूँ। कपूर की जो गोली है ना, अगर आप उसको यूज़ करते हैं, अगर आप आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी लगा सकते हैं इस ऑयल को,
और ये सबसे सबसे यानी इसका जो बेनिफिट है ना, पहला वो है कि आपके बालों में स्मेल नहीं आने देता, गंदगी नहीं आने देता। और उसके अलावा दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपके बच्चों के जू हो जाते हैं, वैसे तो होते नहीं है लेकिन अगर फिर भी हो जाते हैं गर्मी में या बारिश के सीजन में, तो आप इस तरह से कपूर डालकर अपने बालों में लगाइए तो बिल्कुल भी आपके बालों में जू वगैरह नहीं होगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी और जो इचिंग वगैरह हो जाती है ना गर्मी में, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं इस तरह से करके इसको वीक में एक बार तो लगा ही लेती हूँ, तो आपको कम से कम वीक में एक बार तो इसको लगा ही लेना है। और अगर आप स्मेल को कंट्रोल कर सकते हो, सहन कर सकते हो, तो आप इसे डेली के जो ऑयल आप लगाते हो ना, जो किसी किसी को आदत होती है हमेशा बालों में तेल लगा कर रखने की, तो आप उस तेल के अंदर 3 से 4 गोलियां डाल दीजिए। अगर इतना बड़ा डब्बा है, 100 ग्राम का डब्बा है, तो 3 से 4 आप उसके अंदर गोलियां डाल दीजिए और अपने बालों में लगाइए। तो इससे क्या है कि आपके बाल बहुत ही अच्छे रहेंगे। मैं बचपन से लगाती आ रही हूँ, क्योंकि छोटे थे ना तो मम्मी यही कहती थी कि ना कपूर डाल के लगाया करो, बालों में ठंडक रहेगी और आपके बालों में ना जो ऐसे हाथ डालते हैं ना जब इस तरह से, तो एक अलग सी हीट पता पड़ती है, वो हीट है ना उससे बचते हैं। और उसी हीट की वजह से ना गर्मियों में हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। और अभी भी जब मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो इतना पसीना आ रहा है ना मुझे अपने बालों में कि उंगलियाँ गीली हो रही हैं, इतना पसीना आ रहा है। तो भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चलिए पहले इस तेल को मैं लगा लेती हूँ और इससे अच्छी तरह से अपने बालों में ना मैं मसाज कर लेती हूँ। और अभी मैं नहाने से पहले कर रही हूँ, तो कम से कम मैं इसे 2 से 3 घंटा, यानी जब तक मैं नहाने नहीं जा रही हूँ ना तब तक मैं इसे अपने बालों में रखूंगी। 2 घंटे 3 घंटे, 1 दिन या पूरी रात भी आप इसे रख सकते हैं, कुछ भी हार्मफुल नहीं होगा, फायदा ही करेगा। तो चलिए पहले मैं ना फटाफट से अपने बालों की कर लेती हूँ मसाज, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो बस इस तरह से, बाद में क्या मिलना, बस इस तरह से करनी है। और उसके बाद आपको अपने बालों को ना जिस तरह से हम शैम्पू करते हैं बस उस तरह से धो लेना है, और सच में आपके बालों में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये सारी चीज़ों से आप अपने हेयर को बचा सकेंगे। बस जिस तरह से मैं अपने बालों में मसाज कर रही हूँ, बालों को हमेशा नीचे की ओर झुका के मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे हमारे जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता है, जिससे कि हमारे नए बाल उगने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और जो बाल झड़ते हैं वो भी नहीं झड़ते, क्योंकि हमारे स्कैल्प की जो नसें होती हैं ना वहाँ तक अच्छे से ब्लड पहुँचता है। कि ये करना बहुत ज़रूरी होता है, मैं हमेशा करती हूँ, एक बार आप भी ट्राई करके देखना, बहुत रिलैक्स मिलता है माइंड में। और देखिए अच्छे तरह से मैंने अपने बालों में तेल लगा लिया, और बस अब मैं एक जूड़ा ले लूँगी और हल्के हल्के हाथों से, हल्के हल्के उंगलियों से आपको ना अपने बालों को यानी अपनी स्कैल्प को मसाज देनी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अब पूरा जो ऑयल था ना अप्लाई कर लिया, और अब मैं एक जूड़ा लगा लूँगी और 2 घंटे के लिए अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे बालों में कितना ज़्यादा, यानी जितना भी मैंने तेल लिया था ना पूरा लगा लिया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने बालों की मसाज करेंगे, जितना अच्छे से आप ऑयल लगाएंगे अपने बालों में, उतना ही अच्छा बेनिफिशियल यानी बेनिफिट मिलेगा आपको। तो आपको ना बस फिंगर की हेल्प से पूरे माथे में हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करनी है कि आपको नींद आने लगे। और सच में आप ये करके देखना, आपको बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी और आपके बालों में भी काफ़ी अच्छी शाइनिंग रहेगी। क्योंकि नारियल तेल लगाने के बाद अगर हम अपने बालों को धोते हैं, तो नारियल तेल हमारे बालों में ना कंडीशनर का एक काम करता है, हमारे बालों को एक बहुत ही अच्छी सी सिल्कीनेस और शाइनिंग देता है। तो आप लोग जरूर इस तेल को लगाइएगा। और उसके साथ मैंने लिया है कैस्टर ऑयल, आप चाहें तो इसके अंदर विटामिन ई ऑयल भी डाल सकते हैं, और चाहे तो आप इस जगह पे सरसों का तेल भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी फायदा करता है। लेकिन इस सरसों के तेल की जो स्मेल है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो उसको कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। लेकिन नारियल तेल हमारे बालों के लिए वैसे भी वरदान माना जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से अपने बालों में एक बार कपूर लगाकर देखिए, इस तरह से मसाज करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। और इस रेमेडी को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, आपको सच में फायदा होगा। और फायदा होना तो फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी टिप्स है ना जो ये हम अपनी मम्मी से बचपन से करते आए हैं, हमारी मम्मी हमको कराती थी। तो ये सारी चीज़ें बस वही हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप कुछ और वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं आप लोगों के कहने पर, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और कि मैंने बहुत सारी ऑयल की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना।
क्योंकि नाइट में हमें कौन सा तेल लगाकर सोना चाहिए, किस चीज़ के लिए क्या तेल हमको बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर, सारे ऑयल मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। तो जो आपको सूट करता है आप अप्लाई करें, फिर आपको जो सूट करता है उसको आप हमेशा के लिए फॉलो करें। तो चलिए इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने बता ही दिया, और अब अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मुझे अपने चैनल को प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा चैनल वकार अच्छा खासा चलता है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम किसी और अच्छी सी नेक्स्ट रेमेडी के साथ, और बाय बाय। अब मैं कहती हूँ बाय बाय, और प्लीज़ आप लोग इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, सच में मस्ट ट्राई रेमेडी है। और इस जगह पर ना आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से लगाना है, अच्छी तरह से मसाज करना है। वीक में आप एक बार लगा लीजिए, दो बार लगा लीजिए, जितनी आपको हेयर ऑयलिंग की आदत हो ना, वो आप जब भी ऑयल लगाएं तो इसमें कपूर डाल के लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हो सके तो रात में लगाकर सो जाइए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और नहीं कर सकते तो सुबह नहाने से 2-3 घंटे पहले लगा लीजिए, फिर अपने बालों को धो लीजिए। तो अगर इसकी स्मेल आपको फिर भी लगती है, नहीं जाती ना, तो जो पानी से आप बाल धोते हो ना, उस पानी के अंदर आप एक नींबू डाल दीजिए, इसका रस होता है ना, एक नींबू का पूरा रस डाल लीजिए। उसके बाद आप अपने बालों की शाइनिंग देखना कि कितनी बढ़िया हो जाएगी। बस जो नॉर्मल बाल्टी के अंदर पानी होता है ना, उसके अंदर आपको नींबू डाल लेना है और फिर बस धो लेना है, उसी नॉर्मल पानी से शैम्पू करके उस पानी से अपने बालों को धो लेना है, और देखिए क्या होता है, क्योंकि मैं भी वही करने वाली हूँ इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।